सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहा तो आप सबने सुनी ही होगी। मतलब वाहन चलाते समय छोटी सी गलती आपके जीवन को संकट में डाल सकती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में लगभग हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटना में हादसे का शिकार होते हैं। अगर 2021 की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में 1,55,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा औसत 426 लोग प्रतिदिन यानी हर घंटे लगभग 18 लोगों की मौत का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कानून के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपकी सड़क सुरक्षा यानी मोटर वाहन अधिनियम की। मोटर वाहन अधिनियम में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने बेहद कठोर प्रावधान किए हैं। ये प्रावधान कई राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। संसद की स्थायी समिति ने इन सिफारिशों की विस्तार से जांच की और समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम में केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति यातायात कानून का उल्लंघन करता है उसे जुर्माना देना पड़ सकता है और जेल जाना पड़ सकता है। कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई राज्य अर्थ दंड में बदलाव करना चाहता है तो प्रदेश सरकार उसे बदल सकती है। इसके अलावा अब नए अर्थ दंड में बदलाव और पुराने नियम में बदलाव भी किए गए हैं। इस अधिनियम में यातायात के नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम का उद्देश्य सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करना है। इस कानून में ड्राइवर और कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान, यातायात विनियमन, बीमा, देयता, अपराध और दंड आदि के बारे में विधायी प्रावधान किए गए हैं। 1988 के मोटर वाहन अधिनियम को एक कल्याणकारी कानून के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जिसे नुकसान हुआ है उसको राहत प्रदान करना है। इस अधिनियम में सरकार द्वारा समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इस मोटर व्हीकल कानून की बड़ी बातें क्या हैं। इस कानून की प्रस्तावना का उद्देश्य मोटर वाहन कानून को मजबूत और आधुनिक बनाना है। ये कानून सड़क परिवहन के लगभग सभी जरूरी पहलुओं को नियंत्रित करता है। इस कानून के अनुसार सभी चालकों और कंडक्टरों के पास वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। इस कानून की विशेषता ये है कि ये लाइसेंस और अनुमति मानदंड देते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रावधान करता है। ये विस्तृत अधिनियम है। इसमें 200 से अधिक प्रावधान और 14 अध्याय हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण की तारीख से 15 वर्ष के लिए वैध है और इसे अगले 5 वर्षों के लिए रिन्यू किया जाएगा। ये कानून दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान करता है। कानून में पीड़ित को कैशलेस उपचार कराने की योजना विकसित की गई है। ये कानून गोल्डन आवर के दौरान यातायात दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना का प्रावधान करता है। गोल्डन आवर मतलब सड़क दुर्घटना के 1 घंटे बाद का समय है। इस कानून के अनुसार केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने का प्रावधान करती है। कानून में संशोधन के बाद हिट एंड रन मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया है। ये कानून 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता है। 50 CC से कम इंजन क्षमता वाले मोटर वाहन को चलाने की अनुमति तब दी जाती है जब व्यक्ति 16 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है। ये कानून किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता है। मोटर वाहन का मालिक किसी व्यक्ति को वाहन को सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं चलाने देगा जब तक कि वो पंजीकृत न हो और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द नहीं किया गया हो। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में यातायात उल्लंघन के लिए कई जुर्माने में वृद्धि, ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए दोषपूर्ण भागों को वापस बुलाने के लिए प्रावधान और वाहन मालिकों को नाबालिग चालक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार बनाना शामिल है। याद रखिए, यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि यह सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। फिर मिलेंगे कानून के पाठशाला के एक और एपिसोड में एक नए कानून की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।